स गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग मेरी आवाज़ क्लियर है आप सब लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है इफ इफ यू कैन, इट इज ऑडिबल प्लीज मेंशन ऑल क्लियर ताकि मैं समझ जाऊं, आप लोगों को सब कुछ सुनाई दे रहा है प्लीज मैं ठीक है यस फाइन ओके चलिए सो नमस्कार 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 टू ऑल ऑफ यू वेलकम ऑल ऑफ यू एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक द टॉपिक इज आर एंड इट्स मॉनिटरी पॉलिसीज तो आज हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड उसके मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करेंगे है ना चलिए सो दिस इज़ माई रेफरल कोड बी एम लाइव विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल अनएकेडमी एट द रेट बी एमकिस मेहर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ पर जाके जो है लिंक को कनेक्ट कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो एंड जी एस गुरुकुल जो मेरा चैनल है यहाँ पर अन एकेडमी की तरफ से जी एस गुरुकुल जहाँ पर हिस्ट्री पॉलिडी जोग्राफी और इकनॉमिक्स यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैं कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो जी एस गुरुकुल का जो टाइमिंग है सुबह नौ बजे कंप्लीट हिस्ट्री और शाम के नौ बजे कंप्लीट पॉलिटी सुबह नौ बजे कंप्लीट हिस्ट्री शाम के नौ बजे कंप्लीट पॉलिटी तो जीएस गुरुकुल का भी नीचे लिंक में है वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल कर सकते हो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे चलिए अब देखिए वेल दिस इज अबाउट मी आई एम पास आउट फ्रॉम डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय एंड ऑल्सो फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटीज और आप लोगों को सेवा में मैं पढ़ा रहा हूं एन एक चीज मैं बता दू यहां पे देखिए प्लस के फायदे क्या है आपको प्लस में आपको डेली बेसिस में डेली बेसिस में लाइव क्लासेस मिलते हैं स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक कोर्स आर देयर लाइव टेस्ट क्विज़ होंगे और उसके साथ साथ अनलिमिटेड एस टू द प्लस कोर्स का मतलब है आप हरेक का वीडियोस देख सकते हैं चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो हरेक का हरेक वीडियोस देख सकते हैं और ये है प्लस है ये अकनिक है और मेरा जो रिफरल कोड है बी एम दिस इज माई रेफरल कोड वीएम लाइफ जिसमें आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा जिसमें एक साल का आपको फोर्टी फोर और दो साल का आपको सिक्सटी फोर हो जाएंगे और आइकनिक में देखिए आपको स्पेशल गाइडेंस क्या है स्पेशल गाइडेंस मिलेगा स्पेशल कोच स्पेशल मेंटर मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे ट्वेंटी फोर इंटू सेवन उसके साथ साथ टेस्ट एनालिसिस होगा एक्सपर्ट गाइडेंस होंगे देन स्टडी मेटेरियल अवेलेबल होगा उसके साथ साथ स्टडी प्लानर जैसे कि कुछ बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते हैं और मैं बता दूं कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है किस तरह से तैयारी करना है किस लेवल पर तैयारी करना है ये सब चीज़ें जो है आइकनिक सब्सक्रिप्शन में बताया जाएगा आप चाहते हो कि मैं आपका मेंटर बनूं, तो रिफरल कोड होगा बी एम लाइव मैं नॉर्मली 80 परसेंट से ज़्यादा सिलेबस को कवर करता हूँ तो समझता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ एग्ज़ाम कैसे क्लियर करोगे अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाता या फिर आधा आधा सब्जेक्ट पढ़ाता तो शायद इतना डिटेल में गाइड नहीं कर पाता तो 80 परसेंट एटी फाइव परसेंट एटी परसेंट से ज़्यादा सिलेबस कवर करता हूँ हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको जो है गाइड कर सकता हूँ आप चाहते हो मेरा मिंटरशिप तो दिस इज़ माई रिफरल कोड ध्यान रखना बी लाइफ बी एम लाइव ये जो है रेफरल कोड है ज्वाइन कर करोगे तो मैं ऑटोमेटिकली आपका मेंटर बन जाऊंगा क्लियर है और ये देखिए कम्बो पैक है एक साल का ऑप्शनल उसके साथ साथ यूपीएससी ठीक है 24 मंथ्स का 99,000 में और उसके साथ साथ टेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पाथ फाउंडर है इम्पल्स है राइज है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो रिफरल कोड सेम रहेगा बी एम लाइव उसके साथ साथ दिज आर द फ्यू बैचेस वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर रिफरल कोर्स सेम है बी एम लाइफ एंड स्कॉलरशिप टेस्ट हर एक अल्टरनेटिव संडे में होती है तो घर बैठे बैठे आप क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिक्सटी क्वेश्चन सिक्सटी मिनट में ठीक है तो ये आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं फाइनली दिस इज लिंक जो है नीचे टेलीग्राम ग्रुप का भी है जीएस गुरुकुल का भी है वहां जाके कर सकते हैं क्लियर है पॉइंट देन सो आज का टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज आरबीआई एंड इट्स मॉनिटरी पॉलिस देखो ये चीजें मैं बता देता हूँ बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एंड उसके मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में बहुत सारे बच्चों को कन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और जब वो किताब पढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके तो कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाती है कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होता है कि किताब में इतने सारे वर्ड होंगे इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल होता है तो मॉनिटरी पॉलिसी लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है बट ऐसा कुछ नहीं है डिफ़िकल्ट नहीं है बस किताबी लैंग्वेज में आपको फंसा के वो चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट लगती है तो मैं उसको बहुत आसान तरीके से बहुत सिंपल तरीके से सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा कि आर का जो मॉनिटरी पॉलिसीज़ होती है क्या क्या होती है विल डिस्कस अबाउट द रेपो रेट विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स रेपो रेट विल डिस्कस अबाउट द एस एल आर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो वेल डिस्कस अबाउट द कैश रिजर्वेश सी आर आर देन विल डिस्कस अबाउट द बैंक रेट एंड बेस रेट तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा क्लियर है पॉइंट तो मज़ा आने वाला है इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है आप मिस नहीं कर सकते मिस करोगे तो नुकसान आपका है टॉपिक ऐसा है और किताब पढ़ोगे तो भी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो मैं चाहूँगा आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और अप टू लास्ट तक बने रहिए ताकि मतलब एग्जामिनेशन में आप सही कर सको उस चीज़ को ठीक है सो so, ये डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा ही करेगा ये चीज़ें क्लियर है सो लेट्स स्टार्ट विद द आरबीआई एंड मॉनिटरी पॉलिसीज क्लियर है ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे ठीक है बैंकों का बाप बाप कहें तो भी गलत नहीं होगा ही वॉज द बैंकर ही इज द बैंकर ऑफ द बैंक जैसे कि हम लोग नॉर्मल बैंक पे जाते हैं लोन लेने बैंक कहाँ पे जाता है बैंक जाते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों को लोन देता है दैट्स वाई मैंने कहा था कि ये हम सब का बैंकों का ये जो है बाप है मतलब फादर ऑफ द ऑल द बैंक्स यू कैन से ठीक है देखिए तो सबसे पहले चीज मैं पहले बता देता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था पहले देखो ये चीज़ देखो टाइमलाइन उसका देख लीजिए इट्स वेरी सिंपल टाइमलाइन जो आप लोग रिलेट भी कर सकते हो ठीक है सबसे पहला चीज़ है कि जो एक्ट आया था आरबीआई एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट आया था कब आया था 1934 में उसका एक्ट आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था नाइनटीन में क्लियर है पर? उसके बाद जो है एक्ट आने के बाद अगर आर बी आई एस्टाब्लिश्ड अगर हुआ था 1935 में कब फर्स्ट अप्रैल दैट इज़ इन कलकत्ता उस टाइम पे पहला हेडक्वाटर कब था कहाँ पर था कोलकाता तो 1935 में 1935 में एस्टाब्लिस्ड हुआ था फर्स्ट अप्रैल इन कलकत्ता तो एस्टाब्लिश कब हुआ था फर्स्ट अप्रैल इन कलकत्ता ठीक है तो उसी के हिसाब से हम लोग फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक हम लोग का फाइनेंशियल ईयर करते हैं हम लोग का फाइनेंशियल ईयर वही होता है ना फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल टू 31st मार्च दिस इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर बिकॉज आरबीआई का एस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट अप्रैल में ठीक है तो देखो पहला जब हेडक्वार्टर्स थे आरबीआई के हेडक्वार्टर्स जो थे कहाँ पे कलकत्ता ठीक है उसके बाद 1937 में दो साल के बाद 1937 में आरबीआई परमानेंटली मूव टू मुंबई कलकत्ता से ये मूव्ड हो गया था मुंबई को मुंबई को मुफ्ड हो गया था उसके बाद 1949 में देखो आरबीआई आरबीआई होल्डर्स बिफोर दिस उससे पहले आरबीआई स्टेक होल्डर के अंदर था अब जो है नेशनलाइज का मतलब है completely government का बैंक हो जाना नेशनलाइज का मतलब है कंप्लीटली गवर्नमेंट का बैंक हो जाना अब देखो नेशनलाइज्ड और प्राइवेटाइज के अंदर फर्क क्या है नेशनालाइज का मतलब है गवर्नमेंट के अंदर देखो जब भी कोई चीजें गवर्नमेंट के अंदर आती है तो वो गवर्नमेंट के प्रिंसिपल के अंदर गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आती है अगर बैंक खाली होता तो वो केवल एंड केवल उसका मकसद क्या होता प्राइवेट होता प्रॉफिट होता केवल एंड केवल मकसद बट गवर्नमेंट का जब भी इंटरफेरेंस होती है तब केवल प्रॉफिट उसका मकसद नहीं होता है मकसद क्या होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबका साथ सबका विकास रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट होना चाहिए अर्बन एरिया का भी डेवलपमेंट होना चाहिए अमीर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए गरीब का भी डेवलपमेंट होना चाहिए समझ रहे हो चीजें जो सर्विस कर रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए तो दैट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट वॉर द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का अदरवाइज खाली बैंकों का बस चले तो वो तो लोन केवल टाटा बिरला अंबानी ऐसे लोगों को लोन दें और उनका बस चले तो आपको एट परसेंट नाइन परसेंट टेन परसेंट में क्यों देंगे वो बीस परसेंट तीस परसेंट में मतलब देंगे आप सोचिए ना बैंक जो लोन देता है मान लीजिए दस परसेंट भी देता है या बारह परसेंट भी देता है तो एक महीने में कितना परसेंट हो रहा है टेक्निकली वन परसेंट हो रहा है बट आप लोग जो प्राइवेट लोन लेते हो एक महीना में कितना लेते हो परसेंट चार परसेंट पांच परसेंट में लेते हो लो, कुछ लोग तो दस परसेंट में भी लेते हैं, समझ रहे हो लेकिन बैंक आपको जो है एक साल में दस परसेंट बट कुछ लेने वाले जो है एक महीने में भी दस परसेंट लेते हैं समझ रहे हो चीजें तो ये जो चीजें है ये जो चीजें हैं, ये मतलब बैंकिंग और बैंक जो है स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो गरीब लोग है, जो हैं जो लो, गांव में रहते हैं लोग उन लोगों को भी मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज दे रहा है तो बैंक हमेशा गवर्नमेंट का जब भी इंटरफेरेंस होती है सबका साथ सबका विकास करने की हमेशा कोशिश की जाती है सो दैट इज द फीचर्स ऑफ द मतलब इंटरफेरेंस ऑफ द बैंक दैट इज द खासियत है ये नेशनलाइज बैंक का तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडियन सेंट्रल बैंक कहलाता है सेंट्रल बैंक ठीक है कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट रिजर्व बैंक होने से पहले इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया देखो इम्पेरियल बैंक जो है इतिहास है एस से इतिहास है इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया उससे पहले हुआ करता था बट आरबीआई इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस एंड द पिलर ऑफ दर्जिंग इंडियन इकोनॉमी एंड इट इज ए में आरबीआई जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वॉशिंगटन डीसी में वाशिंगटन डीसी देखो आईएमएफ क्या है आईएमएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे हु प्रोवाइड फंड टू द मेंबर कंट्रीज आईएमएफ जैसे कि आईएमएफ है एक है वर्ल्ड बैंक है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म्स लोन दैट इज फ्रॉम फाइव ईयर टू ट्वेंटी ईयर्स एंड आई एम प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन दैट इज जीरो और जो मेंबर कंट्री आईएमएफ का होता है वही मेंबर कंट्री वर्ल्ड बैंक का होता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस है क्योंकि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस ये दोनों कमेटी ये कमेटी ही बनवाया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और उस कमेटी को ब्रिटेन हुड कमेटी भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटेन हुड एक यूएसए का जगह का नाम है वहां पर ये मीटिंग हुई थी और उसमें टोटल 189 एटी नाइन मेम्बर कंट्रीज हैं रिसेंटली एडेड कंट्रीज़ जो है नोरू है जो कि साउथ पेसिफ़िक ओसन में है नियर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो आता है ओसनिया एरिया में है तो एनी anyway, वे तो आई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म्स लोन टू द मेंबर कंट्रीज इन बिटवीन जीरो टू फाइव ईयर्स तो आई का एक हिस्सा आर भी है तो उससे पहले इम्पेरियल बैंक हुआ करता था इम्पेरियल बैंक कंबिनेशन किसका है तो बैंक ऑफ कलकत्ता बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे ये तीनों का कम्बिनेशन जो है इम्पेरियल बैंक जो 1921 से लेकर देखो आर बी आई सेंट्रल बैंक के हिसाब से कब से काम किया था आरबीआई का गठन ही हुआ था 1935 में 34 में एक्ट आया था 1935 में गठन हुआ था ठीक है बट उससे पहले क्या था इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया देखो उससे पहले जो था यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले जो था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ध्यान रखना आज का जो क्लास है दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बेस्ट क्लास ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग आरबीआई आज जो है आरबीआई को मतलब मैंने देखा है कुछ लोग जो है आर को और डिफ़िकल्ट बना देते हैं मॉनिटरी पॉलिसीज़ को और डिफ़िकल्ट बना देते हैं मतलब बच्चे बच्चे ऐसे भी किताब पढ़ेंगे तो उनको डिफ़िकल्ट लगेगा उसको और डिफ़िकल्ट बना देते हैं बट आज का मेरा मकसद है उसको मतलब एक तरफ से वन ऑफ द ईजिएस्ट वीडियो में मोनिटरी पॉलिसीज़ का मैं बना रहा हूँ वन ऑफ़ द ईजिएस्ट वीडियो वो आपको जैसे कि हवा जैसा लगेगा ठीक है मतलब मजा आएंगे मतलब आपको फील नहीं होगा कि ये कोई मॉनिटरी पॉलिसी जैसा डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है ये मेरा गारंटी है और आज जो है तीन चार मिनट भी आप कभी भी बोर नहीं होंगे ये मेरा गारंटी है ठीक है टॉपिक को पूरा आसान बनाना और टॉपिक को पूरा इंटरेस्टिंग बनाना मेरी जिम्मेदारी है अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़ें तो इकोनॉमिक्स पढ़ना मेरा विफल है पढ़ाना भी विफल है ठीक है तो मैं मानता हूँ ये चीज़ों को आज का चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाऊँगा और इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि आपके दिमाग में हमेशा सालों साल तक याद रहे यह मेरा गारंटी है लेकिन आपको के साथ थोड़ा सा घंटा मेरे साथ देना है और पढ़ना है आप सुनिए उसके बाद फिर कोई वीडियो, कोई वीडियोस कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दिस इज मोर देन ठीक है चलिए मस्ती के साथ पढ़ते हैं ठीक है तो हाँ देखो उससे पहले क्या था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया तीनों बैंक को मर्ज करके हुआ था वो क्या है बैंक ऑफ कलकत्ता बैंक ऑफ कलकत्ता और उसको बैंक ऑफ बंगाल भी कहा जाता है देन बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे बॉम्बे और एक है बैंक ऑफ मद्रास एक है बैंक ऑफ मद्रास बैंक ऑफ मद्रास तो ये तीनों अलग अलग बैंक था तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक थे बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में होके 1809 में उसका नाम चेंज हो गया था बैंक ऑफ बंगाल के हिसाब से बैंक ऑफ मद्रास 1840 में हुआ था और बैंक ऑफ सॉरी बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 में तीनों बैंक जो है मर्ज हो गया था तीनों बैंक जो है मर्ज हो गया था दैट इज और ये बन गया था इमपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये बन गया था इमपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और ये इंपेरियल बैंक का गठन हुआ था नाइनटीन में इंपीरियल बैंक का गठन हुआ था 1921 में तो ध्यान रखना इन बिटवीन इन बिटवीन 1921 से लेकर आर का गठन कब हुआ था 1935 तक 1935 34 में एक्ट आया था 35 में हुआ था तो इन बिटवीन 1921 ट्वेंटी थर्टी फाइव द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उस टाइम पे इंपेरियल बैंक था तो इंपेरियल बैंक वर्क एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो इन इम्पेरियल बैंक वर्क एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बट आर का जब गठन हो गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है मतलब इम्पेरियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक का पोजीशन नहीं रहा उस टाइम पे पोजीशन किसका रहा तो उस टाइम पे आर का रहा

दैट इज थ्रो ओरिजिनली प्राइवेट ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन नाइनटीन फोर्टी नाइन में होके फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्मेंट सेक्टर नेशनलाइज का मतलब है फुल्ली ओन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर तो ये चीज़ों को आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो ठीक है ये भूलना नहीं है डेट सिंपल सी सिंपल सा डेट है उसको भूलना नहीं है कि आर बी आई एक्ट थर्टी फोर में आरबीआई बना था थर्टी फाइव में फर्स्ट अप्रैल में और उस टाइम पे कलकत्ता था हुआ था हेड क्वार्टर देन हेड क्वार्टर शिफ्ट हुआ था थर्टी सेवन में और आरबीआई बी नेशनलाइज हुआ था फोर्टी नाइन में ये चीज़ें आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये चीज़ें जो है काम में आएगा ठीक है चलिए देन उसके बाद देखिए हाँ हाँ यहां पर देखिए आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ठीक है द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इज कॉल्ड एज गवर्नर हु इज असिस्टेंट द दूटी गवर्नर एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ जनरल ठीक है तो आरबीआई के हेड तो गवर्नर होता है ये चीजें सबको पता है फिर उसको आसिस करते हैं डेप्यूटी गवर्नर ठीक है और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दैट इज गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक है कौन उसको डील करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इन द माइंड तो उसको हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस प्रकार से एक्ट बना था उसको ध्यान में रखते हुए और ये सब का टाइम पीरियड कितना साल के लिए होता है फॉर द फोर ईयर्स के लिए ही होता है आप देख सकते हो कि ऑफिशियल डायरेक्टर फुल टाइम गवर्नर नॉट मोर दैन फोर डिपूटी गवर्नर ठीक है एक गवर्नर के साथ साथ फोर डिपूटी गवर्नर होते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट टेन डिस्क्रिशंस फ्राम वेरियस फील्ड एंड टू गवर्नमेंट ऑफिशस एंड अदर फोर डायरेक्टर्स वन ईच फॉर द लोकल बॉडीज देखो जो चार डायरेक्टर जो है वन ईच फॉर द लोकल बॉडीज तो चारों आर बी आई का देखो फोर हेड क्वार्टर भी है आरबीआई का चार क्वार्टर भी है एक नॉर्दर्न साइड में एक है साउथर्न साइड में एक है वेस्टर्न साइड में एक है ईस्टर्न साइड में अगर नॉर्दर्न साइड में बात करें तो यह है न्यू दिल्ली, उसका क्वार्टर है न्यू दिल्ली। एंड ईस्टर्न साइड में बात करें तो वो है कोलकाता वेस्टर्न साइड में बात करें तो यह मुंबई और साउथर्न साइड में बात करें तो यह चेन्नई तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता ये चारों जो है हेडक्वार्टर हैं और मेर ओरिजिनल हेडक्वार्टर जो है वो सेंट्रल हेडक्वार्टर एक है सेंट्रल हेडक्वार्टर सेंट्रल हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई देखो ध्यान रखना एक चीज मुंबई का सॉरी मतलब आरबीआई का पांच हेडक्वार्टर है एक हो गया सेंट्रल जो मुंबई है

एम डी पात्रा जी हैं एम के जैन जी हैं बी पी कानून गो जी हैं और एन एस विश्वनाथन देन उसके बाद जो है विराल वी आचारियाँ तो जो है ये सब जो है मतलब डिप्टी गवर्नर ऑफ़ आर बी आई ठीक है डिप्टी गवर्नर ऑफ़ आर बी आई यहाँ पर नाम आप देख सकते हो कि नेम ऑफ द सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना श्री शक्तिकांत दास दैट इज़ बी कानून गो देन श्री महेश कुमार जैन जो कि डिप्टी गवर्नर हैं और बीपी कानून गोभी डिप्टी गवर्न गवर्नर जी हैं एम डी पात्रा डिप्टी गवर्नर देन प्रसन्न कुमार मोहंती दिलीप संघवी देन रेवती लायर देन सचिन चतुर्वेदी जी अशोक गुलाठी देन मनीष सुब्रवाल देन सतीश देन उसके बाद स्वामीनाथन अटानू चक्रवर्ती एंड देवासिस पंडा ठीक है दिज आर दम्बर्स नेम ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है तो एंड देखो लिस्ट ऑफ द गवर्नर अगर आरबीआई का लिस्ट ऑफ द गवर्नर की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो हुए थे इन द ईयर 1935 में हालांकि ये ब्रिटिशर्स थे ओसबन स्मिथ ही ही वाज़ वाज़ द ब्रिटिशर्स द ब्रिटिशर्स ठीक है उसके बाद फिर से जेम्स टेलर हुए थे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे तो वो होंगे सी डी देशमुख सी डी देशमुख वाज़ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ठीक है अब जो है उससे पहले अभी देखो शशिकांत दास जी हैं उससे पहले उर्जित पटेल उससे पहले रघु रगुर, रघुराम राजन उससे पहले डी सुब्बा राव उससे पहले वाई वी रेड्डी विमल जलान सीरंग राजन ठीक है तो अभी जो है शक्तिकांत दास है है ना चलिए एंड मैंने बताया था अभी फोर रिजनल हेडक्वाटर मुंबई कलकत्ता चेन्नई एंड न्यू डेली ठीक है और मेम्बर कंसिस्ट ऑफ फाइव मेम्बर्स टोटल जो है पाँच मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर टर्म्स ऑफ द फोर ईयर्स टोटल पांच मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है टर्म्स कितना है फोर इयर्स है चलिए अब जो है मैं थोड़ा सा रेपोरेट मॉनिटरी पॉलिसीज़ ये सब बात करता हूँ उसके बाद ये सब टॉपिक पे आऊँगा ठीक है चलिए अब जो है मॉनिटरी पॉलिसी पे थोड़ा सा बात करते हैं उसके बाद ये टॉपिक पे मैं आऊँगा ये टॉपिक तो ही है ये टॉपिक है उसके बाद आऊँगा ठीक है अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ठीक है ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी का ये जो चीजें हैं उससे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं उसके बाद बाकी सब जो तो फैक्चुअल डाटा है उसको मैं बता दूंगा पहले समझने वाला चीज कर लेते हैं देखो यहां पर हाँ यहां पर देखिए तो सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है कैश रिजर्व रेशियो क्या है एस एल आर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है बैंक रेट क्या है क्रेडिट सेलिंग क्या होती है क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम क्या होती है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होती है मॉरल क्या होता है ये सब चीजों के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें ये सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं चलिए ठीक है देखो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रेट ठीक है पहले कंसेप्ट मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई का पहले एक एक करके कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद बाकी सारी चीजों पे टॉपिक पे मैं चीजों पे आऊंगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रेपो रेट होता है क्या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द रेपो रेट रेपो रेट का मतलब क्या है ठीक है देखो तो सिंपल सी बात है एक होता है रेपो रेट जिसको हम आरआर कहते हैं शॉर्टकट में दैट इज नोन एज आरआर एक होता है रिवर्स रेपो रेट जिसको आरआरआर कहते हैं रिवर्स रेपो रेट ठीक है अब देखो ये है आरबीआई ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कोई भी कमर्शियल बैंक ले लो ये कोई भी कमर्शियल बैंक ले लो ठीक है तो आर जो है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमर्शियल बैंक को लोन देता है आर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में अब देखो अब जो है हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना अब जो आप लोग पढ़ाई करोगे हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन में आप ध्यान से सुनिए तब जाके चीजें समझ में आएगा नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तो हर एक लाइन इज इम्पोर्टेंट ध्यान रखना तो रेपो रेट का मतलब है आर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंकों को लोन देता है उसको हम क्या कहते हैं उसको जो है रेपो रेट कहते हैं दैट इज़ नोन एज रेपो रेट उसके साथ साथ आर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेता है लोन लेता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट वन अगेन रिपीटिंग आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है बैंकों को कमर्शियल बैंक को उसको रेपो रेट कहते हैं आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं अब आप आप सोच में पड़ गए होंगे कि आरबीआई जो है बैंकों से लोन बैंकों को लोन देता है ये तो समझ में आता है रेपो रेट बैंकों से लोन क्यों लेता है आरबीआई को जरूरत क्या है कि कमर्शियल बैंक से वो लोन ले उसको क्या जरूरत होती है तो ये सिंपल सा चीजें मैं बता रहा हूं देखो मॉनिटरी पॉलिसीज का जो चीजें होती है जब भी मार्केट में एक्सेस इन्फ्लेशन होती है या फिर एक्सेस डिफ्लेशन होती है जब महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर जब रेट जो है बहुत कम हो जाती है तब जो है जो आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि एक बैलेंस डेवलपमेंट बना रहे जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन होगा हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो भी देश के लिए हित नहीं है या फिर डिफ्लेशन हाइपर डिफ्लेशन होगा तो भी कंट्री के लिए वो ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है कंट्री का ग्रोथ कैसे माना जाएगा एक स्मूथ स्मूथ कंसिस्टेंट डेवलपमेंट में माना जाएगा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एक बैलेंस बैलेंस में होती है देखो एक होती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन टेम्प्रारी इन्फ्लेशन और टेम्प्रारी डिफ्लेशन होती है वो अलग लेवल है टेंप्रारी इन्फ्लेशन होना और टेम्प्री डिफ्लेशन होना वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है सिंपल सी बात है आए दिन में आप देखते हो कि टमाटर का रेट जो है या फिर जो प्याज का रेट जो है कभी कभी डेढ़ सौ रुपया हो जाता है कभी कभी सौ रुपया तो कभी कभी बीस रुपया होता है तो ये क्या है डिमांड और सप्लाई का खेल है जब एक्सेस डिमांड हो एक्सेस जो है जब जब सप्लाई हो जाएंगे क्या होगा रेट जो है कम हो जाएगा या फिर जब सप्लाई नहीं हो पाएंगे रेट जो है बढ़ जाएगा ठीक है जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगा क्या होगा एक्सेस सप्लाई की वजह से सफिशियंट क्वांटिटी मार्केट में आ जाएंगे सबके पास आ जाएंगे तो प्राइस जो है कम हो जाएगा या फिर जब सप्लाई ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा होंगे जिसकी वजह से प्राइस भी ज्यादा होगा ये क्या हो गया डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को मतलब बढ़ाते हैं कमाते हैं ये हो गया आपका टेम्परारी इन्फ्लेशन बट उसके साथ साथ कुछ चीजें होती है परमानेंट इन्फ्लेशन होती है कुछ चीजें जो है महंगाई दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है वो कभी कम नहीं होता आप जैसे कि अब गोल्ड का रेट देखिए बढ़ते ही जाता है अगर भी कभी कम होता है तो फिर फिर कम 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 होके फिर ज्यादा जंप मारता है तो ये परमानेंट लेवल पे कम नहीं होती अब अब 10 साल से देखिए वो बढ़ते ही जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए कम हो सकता है फिर वो बढ़ जाता है क्लियर ये परमानेंट इन्फ्लेशन की बात है हर एक चीज में जो है महंगाई जो है धीरे धीरे प्रॉपर्टी का रेट देखिए बढ़ रहा है तो, तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए जो बैंक का मॉनिटरी पॉलिसीज काम करता है मॉनेटरी पॉलिसीज का मेन मकसद रहता है कि लिक्विडिटी ऑफ द कैश लिक्विडिटी ऑफ द कैश का मतलब है जब भी देश के लिए, लिए जरूरत होगा कि देश में लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो बैंक आरबीआई जो है उन लोगों से पैसा ले लेगा और जब जो है मतलब आरबीआई को लगने लगेगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो कैश फ्लो कर देगा वो 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 जो मौद्रिक नीति है जो वो जो मॉनिटरी पॉलिसीज़ है उसको हम लोग रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कैश रिजर्व रेशियो एस एल आर ये सब का नाम देते हैं तो मॉनीटरी पॉलिसीज़ का जो मेन मकसद जो होते हैं ध्यान रखना मॉनिटरी पॉलिसीज़ का जो मेन मकसद जो होते हैं कि लिक्विडिटी ऑफ द कैश जरूरत पड़ने पर कैश फ्लो कर सके और ज़रूरत पड़ने पर वहां से कैश ले भी सके ठीक है तो ये जो मॉनिटरी पॉलिसीज में हम लोग ये चीज़ें बात करते हैं तो रेपो रेट हो गया कि बेंच मार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई टेक लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक उसका सिंपल डेफिनेशन क्या होगा द बेंच मार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट टेम्परारी इंटरेस्ट रेट द बेंचमार्क ऑफ टेम्परारी इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई टेक लोन फ्रॉम लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक्स देखो मेरा जो डेफिनेशन है सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं तो ये डेफिनेशन लिख लो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए साथ में पेन पेपर को रख लो देखो ये एक ऐसा टॉपिक है साथ में पेन पेपर को रख लो और अपना कान ध्यान से सुनते रहो हर एक लाइन हर सेंट सेंटेंस सुनते रहो तब जाके चीजों को समझ में आएगा नहीं तो फिर नहीं आएगा तो इसलिए सुनते रहो और लिखते रहो ठीक है तो बेंचमार्क ऑफ द टेम्परारी बेंच मार्क ऑफ द टेम्परारी इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई टेक लोन्स लोन्स गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक सॉरी टेक लोन नहीं होगा गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक RBI गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है उसको रेफोरेट कहते हैं और टेक लोन मतलब जिसको रिवर्स रेफोरेट कहते हैं ठीक है अब जैसे कि सिंपल सी और एक बात है कि एज ए कंज्यूमर और एज ए कस्टमर कस्टमर मतलब आप हैं हम हैं मैं हूं ये सब हम लोग कस्टमर हैं हम लोग लोन लेने कहां पे जाते हैं हम लोग लोन लेने जाते हैं कोई भी बैंक में चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो कोई भी बैंक में जाते हैं और बैंक लोन लेने कहाँ पे जाता है वो आर पे जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे जाता है क्लियर है तो हम लोग लोन लेने बैंक पर जाते हैं और बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है और इंटरेस्ट रेट को कमा सकता है अगर जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है एज ए कस्टमर हम लोग कम लोन लेते हैं अगर इंटरेस्ट रेट जो है कम होता है तो एज ए कस्टमर हम लोग ज्यादा लोन लेते हैं ताकि हम लोग को ज्यादा बेनिफिट मिले इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हमें चुकाना भी तो ज्यादा पड़ेगा उस चक्कर में हम लोग कम लोन लेते हैं बट इंटरेस्ट रेट अगर कम है डिक्रीज है तो हम लोग ज्यादा लोन लेते हैं ताकि हम लोग बिजनेस में अच्छा यूज कर सकें सेम उसी प्रकार आरबीआई भी अपना रेपो रेट अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है तो बैंक जब लोन लेने जाते हैं जो आरबीआई का अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो वो कम लोन लेगा और कम होगा तो वो ज्यादा लेगा सो so दैट कि उसका बैंकिंग बिजनेस को इफेक्ट करे मतलब कम कम इंटरेस्ट रेट होगा तो ज्यादा लोन लेंगे और वन मोर थिंग हियर कि ये जो रेपो रेट डिसाइड कौन करता है रेपो रेट आरबीआई डिसाइड द रेपो रेट रेपो रेट डिसाइड कौन करता है आरबीआई डिसाइडेड द रेपो रेट क्लियर है आरबीआई रेपो रेट को डिसाइड करता है एक और चीज बताना चाहूंगा यहां पर देखिए एक और चीज देखिए यहां पर रेपो रेट में कोई भी बैंक लोन लेने जाएगा कहां से जाएगा कोई भी बैंक जो है लोन लेने जाएगा आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई का रेपो, रेपो रेट उस टाइम पे इंक्रीज भी हो सकता है और आरबीआई का रेपो रेट जो है डिक्रीज भी हो सकता है इंक्रीज भी हो सकता है रेट को आरबीआई इंक्रीज भी कर सकता है उसको डिक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है क्लियर है पॉइंट और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ लोन और बिजनेस सिंपल सा लॉजिक है अगर आरबीआई रेपो रेट रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज किया है ज्यादा कर दिया है बैंक सब जो है मिनिमम लोन लेंगे बैंक सब जो है मिनिमम लोन लेंगे मिनिमम लोन लेंगे और मिनिमम लोन लेंगे तो चांसेस ये है कि बिजनेस उसका मिनिमम प्रॉफिट होगा बिजनेस उसका मिनिमम प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट होगा मिनिमम प्रॉफिट होगा मिनिमम प्रॉफिट सिंपल सी बात है आरबीआई जब रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा आरबीआई रेपो रेट को जब डिक्रीज कर देगा कम कर देगा रेपो रेट को बैंक विल टेक द मैक्सिमम लोन उसमें क्या होगा बैंक विल टेक द मैक्सिमम लोन मैक्सिमम लोन और बैंक जब मैक्सिमम लोन लेगा तो चांसेस ये है कि बैंक को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा बैंक को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा सिंपल सा लॉजिक है सिंपल सा लॉजिक है सेम चीज जैसे कि हम लोग बैंक से लोन लेते हैं बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो हम लोग मिनिमम लोन लेते हैं ताकि अपनों का बिज़नेस में मिनिमम प्रॉफिट होता है जिसकी वजह से रिजल्ट में और बैंक का लोन जब कम होता है बैंक का लोन जब कम होता है हम लोग इंडिविजुअल जाते हैं तो लोन कम होता है मतलब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हम लोग मैक्सिमम लोन लेते हैं ताकि हम लोग बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकें सिंपल सी लॉजिक है सिंपल सा लॉजिक है हम लोग बैंक लोन लेने जाते हैं बैंक का लोन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो कम पैसा लेते हैं कम लोन लेते हैं और बैंक का लोन बहुत कम है तो हम लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं उस प्रकार से बैंक भी ऐसा करता है ठीक है बैंक भी वैसा करता है कि आरबीआई का रेपो रेट अगर ज्यादा है तो मिनिमम लोन लेता है जिसकी वजह से प्रॉफिट भी मिनिमम होती है बिजनेस में और बैंक का जब आरबीआई का रेपो रेट डिक्रीज होती है कम होती है तो बैंक ठीक है मैक्सिमम लोन और मैक्सिमम प्रॉफिट भी होती है सिंपल सिंपल सी बात है तो जब इन्फ्लेशन होता है ध्यान रखना एक चीज जब इन्फ्लेशन मार्केट में जब इन्फ्लेशन होती है बैंक क्या कर देता है बैंक जो है रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है रेपो रेट को इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई लोगों के पास पैसा ज्यादा है तब जाके महंगाई होगा अब लोगों के पास पैसा कम है तो महंगाई नहीं होगा

तो बैंक सब लोन मिनिमम लेंगे अगर बैंक मिनिमम लोन लेंगे तो बैंक के पास कम पैसा रहेगा तो बैंक लोन भी मिनिमम देगा और लोन मिनिमम देगा तो लोगों के पास भी कम पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से बैंक जो है मॉनिटरी पॉलिसी को कैप्चर करता है सेम उसका उल्टा कंडीशन क्या है वेन देर वॉज डिफ्लेशन वेन देर वॉज डिफ्लेशन इन द मार्केट जब जो है मार्केट में डिफ्लेशन होती है बैंक क्या करता है आरबीआई क्या करता है डिक्रीज इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है इंक्रीज होती है डिफ्लेशन के केस में क्या होता है डिक्रीज होता है डिक्रीज कर देता है रेपो रेट डिफ्लेशन का मतलब है जरूरत से कम रेट होना तो उस केस में क्या होगा बैंक जो है डिक्रीज आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज कर देगा तो बैंक ज्यादा लोन लेंगे बैंक ज्यादा लोन लेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा कैसे कि क्योंकि वो कस्टमर को ज्यादा पैसा देगा कस्टमर को ज़्यादा पैसा देगा मतलब कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा आएंगे कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा आएंगे उसका मतलब है धीरे धीरे जो है डिफ्लेशन जो कम रेट में है वो धीरे धीरे बढ़, 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 बढ़ जाएगा क्लियर है धीरे धीरे बढ़ जाएगा इन दिस वे रेपो रेट और रेपो रेट के हिसाब से बैंक जो है मतलब कैश जो कैश है जो मनी है उसको जो है कंट्रोल करता है फिर से एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है रेपो रेट को इंक्रीज करने का मतलब है बैंक सब मिनिमम लोन लेंगे मिनिमम लोन लेने का मतलब है वो कस्टमर को भी मिनिमम लोन देंगे ताकि जो इन्फ्लेशन है महंगाई है वो कंट्रोल में आ सके उसका ओपोजिट है कि जब डिफ्लेशन होती है मार्केट में आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है ताकि बैंक जो है मैक्सिमम लोन ले और बैंक मैक्सिमम लोन लेने का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट करेंगे कैसे वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को लोन देंगे उनके पास लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो डिफ्लेशन दूर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है जब भी आर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्रीज करना चाहता है तो एट द टाइम वो डिक्रीज कर देता है रेपो रेट को एंड जब बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को कंट्रोल करना होता है तो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है तो बैंक तो जो भी पॉलिसीज होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से गाइडलाइंस ही आरबीआई करती है तो जब भी देश में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्रीज करना होता है जब भी बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्रीज करना होता है आरबीआई डिक्रीज इट्स रेपो रेट, जिसकी वजह से बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा फिर ज्यादा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रोथ होगा अगर जब जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल में लाना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल में लाना है तो आर जो है इंक्रीज कर देगा रेपो रेट को जिसकी वजह से बैंकों के पास कम पैसा होगा तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में कंट्रोल होगा ठीक है वैन द बैंकिंग आर वांटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड द इंक्रीज इट टू इंक्रीज द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इट डिक्रीज द रेपो रेट एंड वैन दे वॉन्टेड टू कंट्रोल द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इट इंक्रीज द रेपो रेट क्लियर है इस पॉइंट क्लियर है क्लियर है तो मुझे क्लियर है लिखो ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से समझाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया तो फिर बोलो समझ में आ गया क्लियर है थैंक यू वेरी गुड आप लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात फेंटास्टिक ठीक है समझदार बच्चे हो फिर ठीक है तो ये हो गया आपका बैंक रेट हो गया ठीक है अब जो है अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज की रिवर्स रेपो रेट अब जो हम लोग आते हैं कि रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट हो गया अब जो है रिवर्स रेपो रेट हो गया ठीक है मैंने आप लोगों को अभी समझाया था ठीक है रेपो रेट ठीक है अगर ये आर है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंकों को लोन देता है वो क्या है रेपो रेट है और बैंक से लोन लेता है दैट इज रिवर्स रेपो रेट बैंक से लोन लेता है रिवर्स रेपो रेट है ठीक है तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं the benchmark of temporary interest rate benchmark of temporary temporary interest rate interest rate at which rbi takes loan from the commercial bank at which रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टेक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। ये सिंपल डेफिनेशन लिख लो आप लोग ठीक है मतलब रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कमर्शियल बैंक से लोन लेता है अब जो है स्वाभाविक है बहुत लोगों के मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि आरबीआई लोन देता है है तो समझ में आ रहा है। कि आरबीआई भी लोन लेता है यह समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है और वो भी कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन ले वर्ल्ड बैंक से आई में यह भी समझ में आ रहा है बट कमर्शियल बैंक से क्यों लोन लेगा कमर्शियल बैंक तो एक तरफ से कम है तो आरबीआई देखो देखो चीजें क्या है आरबीआई और बैंकों के पास देखो दो ऑप्शन होती है बैंक के पास दो ऑप्शन होती है एक है लोन दे सकता है वो आरबीआई को भी लोन दे सकता है और वो कस्टमर को भी लोन दे सकता है आप और हम को भी लोन दे सकता है ना तो बैंकों के पास दो ऑप्शन होता है तो बैंक जो है कस्टमर को तो आमतौर पर लोन देता ही है आरबीआई को कम देता है बट कभी कभी आरबीआई को भी लोन देता है उसका रीजन क्या है देखो बैंक जो है कस्टमर को लोन देने का मतलब है कस्टमर तो विजय माल्या भी है कस्टमर तो नीरज मोदी भी है समझ रहे हो चीजें तो कस्टमर विजय माल्या भी हो सकता है कस्टमर नीरज मोदी भी हो सकता है समझ रहे हो चीजें तो बैंक जो है कल के डेट में करप्ट भी हो सकता है मतलब बहुत सारे ये नीरज मोदी और विजय माल्या को आप लोग जानते हो बट बहुत सारे ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जिनका ना अता है ना पता है वो बैंक से फेक सर्टिफिकेट वगैरह करके फर्जरी सर्टिफिकेट सैलरी सर्टिफिकेट उल्टा सीधा प्रॉपर्टी का करके वो बैंक से लोन ले लेते हैं और जो मैनेजर होती है उनको थोड़ा सा उन्नीस बीस का पैसा भी दे देते हैं लोन ले लेते हैं समझ लो और फिर वो गायब हो जाते हैं तो जिसको सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पकड़ नहीं पा रहा है आईवी पकड़ नहीं पा रहा है रॉ पकड़ नहीं पा रहा है तो बैंक इतना पावरफुल थोड़े है कि कोई भी बैंक चाहे पीएनबी हो चाहे वो एसबीआई हो चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो कि किस उस, उस, उसको पकड़ में जाए पकड़ मिले टोटल वर्ल्ड में सेवन करोड़ पॉपुलेशन है सेवन करोड़ पॉपुलेशन में से कहां पे हैं और दो कंट्रीज हैं कहां पर छुपे हुए हैं कौन किसको पकड़ पाओगे और सब कुछ आइडेंटिफिकेशन को चेंज करके ही रहेंगे समझ रहे हो चीजें तो इतना मोटा सा इंसान विजय माल्ला को नहीं पकड़ पा रहे भारत सरकार तो बैंक जो है किसको पकड़ेगा तो उस केस में क्या होती है दिक्कत होती है इसलिए बैंक जो है कस्टमर को रो लोन देना मतलब एक तरफ से रिस्की भी है रिस्की है मतलब पता नहीं मतलब वो पैसा आएगा नहीं आएगा या कंप्लीटली डूब जाएगा ठीक है तो बट ये चीज़ें जो है आर के साथ नहीं होता आरबीआई को लोन देने का मतलब है वो चीजें हंड्रेड परसेंट सिक्योर है कि आरबीआई जो है इस तरह का वीजे माल्य जैसा काम नीरज मोदी वाला काम नहीं करेगा जो कस्टमर करते हैं आरबीआई जो है डेफिनेटली जो है बैंक बैंक को पैसा देगा और आरबीआई को जितना भी दे सकता है और जब चाहे आरबीआई से भी ले सकता है एक तरफ से ठीक है जब चाहे जो है आरबीआई से भी ले सकता है एक तरफ से ठीक है तो इसलिए जो है बैंक जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा देती है ठीक है इंटरेस्ट रेट ज्यादा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को ज्यादा बढ़ा देती है तब बैंक जो है प्रीफर करता है इंस्टेड ऑफ गिविंग कस्टमर बैंक ज्यादातर जो है आरबीआई को देता है मतलब आरबीआई को यहां पर थोड़ा सा लॉलीपॉप शो करना होता है बैंकों को लॉलीपॉप का मतलब है बैंक किस कंडीशन में देगा आरबीआई को लॉलीपॉप शो करेगा तब लॉलीपॉप इन द सेंस कि यहां पर जो है बैंकों को खुश करने के लिए आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है बैंक जो है आरबीआई से लोन लेता है मतलब आरबीआई जो है बैंकों से लोन लेता है और लोन लेने का अमाउंट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है लोन लेने का अमाउंट भी आरबीआई ही डिसाइड करता है देखो लोन देने का अमाउंट तो आरबीआई डिसाइड करता है रेपो रेट वो तो करता ही है आरबीआई डिसाइड द रेपो रेट बट ध्यान रखना किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेगा दिस इज आल्सो डिसाइडेड बाय आरबीआई तो ध्यान रखना रिजर्व रे आर 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 रिजर्व रेपो रेट आल्सो डिसाइडेड बाय आरबीआई डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट भी डिसाइड कौन करता है, करता है है आरबीआई कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे बैंक से लोन लेना है हालांकि बैंक से लोन लेने का जो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट होगा वो ज्यादा होगा तो बैंक लोन देंगे अगर कम होगा तो बैंक लोन नहीं देंगे सिंपल सी बात है क्लियर है पॉइंट बैंक लोन नहीं देंगे सिंपल सी, सी बात है तो सेम उस तरीके से तो सिंपल सी बात है यहां पर भी समझना जरूरी है यहां पर भी सम, तो बैंकों से किस कंडीशन में आरबीआई जो है पैसा लेगा बैंकों से किस कंडीशन में आरबीआई जो है पैसा लेगा ठीक है अब बैंकों के पास ज्यादा पैसा है मतलब कस्टमर के पास भी ज्यादा पैसा है बैंकों के पास कम पैसा है मतलब कस्टमर के पास भी कम पैसा है तो बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा होता है तो क्या होती है कस्टमर के पास भी ज्यादा पैसा होने का चांसेस है ध्यान रखना ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट बैंकों के पास ज्यादा पैसा है मैक्सिमम पैसा है का मतलब है जो है कस्टमर के पास भी ज्यादा पैसा है और बैंकों के पास अगर कम पैसा है तो उसका मतलब है कस्टमर के पास भी आज नहीं तो कल जो है कम पैसा होगा अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा है कस्टमर के पास ज्यादा पैसा है तो चांसेस तो क्या होगा इन्फ्लेशन होगा महंगाई होगी महंगाई होगी समझ लो अब जब दोनों के पास महंगाई होगी तो आरबीआई क्या करता है उस केस में अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है रेपो रिवर्स रेपो रिवर्स रेट को बढ़ा देता है सो so दैट कि बैंक जो है खुशी खुशी से आरबीआई को लोन दे और बैंक जब आरबीआई को लोन देंगे बैंक का पैसा जो है आरबीआई में रिजर्व हो जाएगा उस केस में बैंक के पास कम पैसा रहेगा तो बैंक कस्टमर को भी कम पैसा देगा तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा तो ध्यान रखना जब भी बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है या जब भी कस्टमर के पास ज्यादा पैसा होता है इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज्यादा होती है बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज इट्स रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज इट्स रिवर्स रेपो रेट क्लियर है सो दैट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को वो कंट्रोल कर सके सेम केस यार अगर बैंक के पास कम पैसा है उसके पास कम पैसा है तो क्या होगा डिफ्लेशन होगा उस केस में क्या होगा डिफ्लेशन होगा बैंक के पास कम पैसा इसके पास कम पैसा है तो ठीक है तो उस केस में है आरबीआई भी उस केस में क्या करेंगे अगर उस उस कंडीशन में अगेन अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इंक्रीज कर देगा तो बैंक तो सारे पैसा रिजर्व बैंक ऑफ देंगे तो उस केस में क्या करती है रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देती है बैंक जो है रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देती है ताकि जो है बैंक जो है एंकरेज ना हो आरबीआई में जमा करने के लिए बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को दे ताकि डिफ्लेशन जो है थोड़ा सा दूर हो सके तो इतना ध्यान रखना है चीजें इतना ध्यान रखना है जब भी लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है जब भी लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है बैंकों के पास ज्यादा पैसा है लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो आरबीआई इंक्रीज इज रिवर्स रेपो रेट सो दैट कि बैंक जो है मैक्सिमम मैक्सिमम लोन जो है आरबीआई को दें और जो है मॉनिटरी मॉनिटरी में पकड़ आ जाए और कंट्रोल हो सके उसका उल्टा प्रोसेस जब भी आर को लगता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि देर इज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन द मार्केट बैंक के पास कम पैसा है कस्टमर के पास कम पैसा है तो बैंक भी अपना रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है मतलब बैंक जो है लोन लेने का जो आर बैंक आर जो बैंक से लोन लेता है उसको कम कर देता है ताकि बैंक जो है आर में पैसा ज़्यादा ना डाले बैंक के पास अपना पैसा रहे ताकि वो कस्टमर को ज़्यादा पैसा दे और डिफ्लेशन से दूर कर सके इतना खाली एक पॉइंट याद रख लिए जब इन्फ्लेशन महंगाई ज्यादा होती है बैंक के पास कस्टमर के पास ज्यादा पैसा होती है आरबीआई रिवर्स रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक जो है आरबीआई के पास जमा कर सके क्लियर है पॉइंट दिस 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 इज 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 नोन नोन एज एज रिवर्स रिवर्स रेपो रेपो रेट रेट ये सिंपल डेफिनेशन है और एक अब मैं बात करूंगा कैश रिजर्व रेशियो और एक पॉलिसी है अभी ठीक है कैश रिजर्व रेशियो ठीक है अब और एक चीज है सीआरआर जिसको हम लोग बोलते हैं CRR, आर आर दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व रेशियो सी ठीक है तो एक चीज ध्यान से सुनिए और एक होता है एस होता है एस एल आर स्टेटूटरी लिक्विटेरी रेशियो स्टेटूटरी लिक्विडिटी एस एल आर ठीक है ये दोनों में फर्क क्या है सीआरआर और एस एल आर में फर्क सिंपल सा डेफिनेशन है ध्यान रखना जब भी कोई बैंक जब भी कोई नया बैंक एस्टाब्लिश होती है जब भी कोई नया बैंक एस्टैब्लिश होता है ध्यान रखना तो आरबीआई के पास कैश के हिसाब से रिजर्व रखा जाता है ठीक है ध्यान रखना अगर जैसे कि ये आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और कई सारे बैंक है कई सारे बैंक जो है अपना कई सारे बैंक है बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है बैंक ऑफ ये अलग अलग बैंक है मान लीजिए ठीक है तो कोई भी नया बैंक होगा या हर एक बैंक हर एक हर एक साल जो है आर के पास कैश मनी कैश के तौर पर जमा करके आरबीआई के पास रखते हैं उसको क्या कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो मतलब द फिक्सड अमाउंट डिपोजिट बाय द बैंक टू द आरबीआई ऑन द सिक्योरिटी पर्पस उसको जो है कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है द फिक्स अमाउंट डिपोजिटेड बाय द कमर्शियल बैंक इन द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश तो एस एल सी आर आर का मतलब क्या है द फिक्स अमाउंट डिपोजिटेड डिपोजिटेड बाय द कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक टू आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश अगर कैश के फॉर्म में नगद पैसा के फॉर्म में अगर आरबीआई से जमा करके रखे हैं तो वो क्या कहलाएगा कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा और ये जो कैश रिजर्व रेशियो है यह निर्धारित कौन करता है दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाई आरबीआई आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना कैश रिजर्व रेशियो होगा कैश रिजर्व रेशियो कितना हो सकता है और ये वेरीज कर सकता है हर एक साल जो है ये वेरीज कर सकता है देखो तो ध्यान रखना सिंपल सी बात है कैश रिजर्व रेशियो वेरीज हो सकता है तो ये तीन परसेंट से लेकर पंद्रह परसेंट के बीच में हो सकता है आरबीआई डिसाइड करती है और ये तीन परसेंट से लेकर पंद्रह परसेंट के बीच में हो सकता है मतलब सिंपल सी लॉजिक है जब भी जब भी देखो जब भी आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का ज़्यादा हो तो अपना जो है cash reserve ratio को वो decrease कर देता है। उस केस केस में क्या होगा? 3 या 3, 3 या 4 करेगा। जिस, जिस जब reserve Bank of India चाहेगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा ग्रोथ करे तो कैश रिजर्व रेशियो को मिनिमम कर देता है और जब चाहता है कि नहीं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल किया जाए तब जो है वो अपना रिवर्स अपना जो है कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देते तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 14, 15, 15 हो सकता सकता है 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 मैक्सिमम क्लियर पॉइंट सिंपल सी बात अगर कोई कंपनी सिंपल सी बात है अगर कोई कंपनी जो है नया एस्टैब्लिश हो रहा है उसको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट ज्यादा देना पड़े पंद्रह परसेंट के आसपास देना पड़े और सिक्योरिटी जो है तीन परसेंट देना पड़े तो कंपनी ज्यादा किस चीज़ को प्रीफर करेगी तीन परसेंट प्रीफर करेगी या पंद्रह परसेंट प्रीफर करेगी सिंपल सी बात है तीन परसेंट को प्रीफर करेगी आप कल के डेट में कोई कंपनी बनाते हो ठीक है आपको कहीं पे जो है पंद्रह परसेंट फिक्स डिपॉजिट देना पड़े और कहीं पे तीन परसेंट देना पड़े तो जाहिर सी बात है आप तीन देना पसंद करोगे तो तीन अगर हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगा ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को उस पैसा को आप उस जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो इसलिए जब भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रोथ करना होता है जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बने तो उस केस में क्या करती है कैश रिजर्व रेशियो को कमा देती है मिनिमम से मिनिमम करती है ताकि बैंक सब एंकरेज हों बैंक खोलने के लिए या फिर जब लगेगा कि नहीं अब जो है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल में लाना है तो उस केस में क्या करेगा कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा ताकि बैंक सब डिस्करेज हों और बैंक ही ना खोलें ठीक है उसके साथ और एक चीज होता है एस एल आर सेम कंसेप्ट है एस एल आर का भी सेम कंसेप्ट है उसका वही चीजें होगा देखो ये कैश के रूप में जमा करके रखना होता है आरबीआई में और ये स्टेटुटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है नॉन कैश के हिसाब से ध्यान रखना ये है नॉन कैश के हिसाब से जमा करके रखना होता है अब बात आती है नॉन कैश मतलब क्या हो सकता है प्रीशियस हो सकता है स्पेशियस मेटल हो सकता है गोल्ड हो सकता है बॉन्ड्स हो सकता है शेयर्स हो सकता है सिक्योरिटीज हो सकता है जो कि कैश के रूप में नहीं है सिक्योरिटीज के रूप में बॉन्ड के रूप में या फिर गोल्ड के रूप में हो सकता है तो ये एस क्या होगा <laughs> तो एस ये होगा कि द फिक्स अमाउंट डिपोजिटेड बाय द कमर्शियल बैंक टू आर बी आई इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश हो जाएगा बस इतना होगा इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश हो जाएगा वंस अगेन सेइंग एस एल आर का मतलब क्या होगा द फिक्स अमाउंट डिपोजिटेड बाय द कमर्शियल बैंक टू द आर बी आई इन द फॉर्म ऑफ कैश के जगह पे क्या हो जाएगा नॉन कैश हो जाएगा सेम चीज़ जो है एस एल आर उसको एस एल आर कहा जाता है अब नॉन कैश में बॉन्ड्स हो सकता है सिक्योरिटीज हो सकता है मतलब शेयर्स हो सकते हैं या फिर गोल्ड हो सकता है जो प्रीवियस प्रशियस स्टोन्स हो सकते हैं ठीक है तो ये भी डिफर करता है ये भी डिफर करता है सेम केस केसियर यह भी डिफर नॉन कैश के हिसाब से जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में जो है ग्रोथ करना है तो ये जो है कैश रिजर्व रेशियो को कमा देते हैं और जब भी लगा कि नहीं कंट्रोल में लाना है तो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा सकते हैं कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा सकते हैं क्लियर है पॉइंट ये भी ट्वेंटी से फोर्टी के अंदर कर सकता है ये भी ट से लेकर 40 परसेंट के अंदर कैश रिजर्व रेशियो कर सकता है हालांकि अभी जो है 25 फाइव परसेंट से भी कम है कैश रिजर्व रेशियो ताकि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ हो सके क्लियर है पॉइंट बट इन बिटवीन 25 टू 40 किया जा सकता है सो दिस इज ऑल अबाउट द कैश रिजर्व रेशियो और एक चीज देखो मन मन में डाउट होती है कि बैंक रेट और बेस रेट में क्या फर्क है रेपो 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 रेट 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 और बैंक रेट में क्या फर्क है ठीक है रेपो रेट और बैंक रेट में जो फर्क है देखो बैंक रेट जो होता है परमानेंट रेट होता है और वो लॉन्ग टर्म्स लोन होता है बैंक रेट क्या होता है परमानेंट होता है वो लॉन्ग टर्म्स लोन होता है बट रेपो रेट जो है वो टेम्परारी होती है वो शॉर्ट टर्म्स होती है ठीक है रेपो रेट क्या होती है वो टेम्परारी होती है वो शॉर्ट टर्म्स होती है तो ये चार कंसेप्ट है हमने डिस्कस किया यहां पर रेपो, रेपो रेट रिवर्स रेपोरेट कैश रिजर्व रेशियो और एस एल आर लिक्विडिटी रेशियो ये चार जो है मेन कंसेप्ट होती है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने आप लोगों को बीच में बताया था कि अब बात करेंगे पहले वो चीजें कर लेते हैं ठीक है अब देखो हाँ तो यहां पर मैंने बात किया था आप लोगों से यहां पर ठीक है तो यहां पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि फाइव मेंबर्स होते हैं सबका ड्यूरेशन कितना साल फोर ईयर्स और अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद देखो ट्रेनिंग एंड एस्टैबलिशमेंट के बारे में सिक्स ट्रेनिंग एस्टाब्लिशमेंट सेंटर आर देयर जो की नाम है आरबीआई अकेडमी है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज है ये तीनों जो है रिजर्व बैंक के अंडर आता है बाकी जो तीन जो है ऑटोनोमस है जिसमें से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक एंड मैनेजमेंट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी तो ध्यान रखना अगर आरबीआई का ट्रेनिंग एंड एस्टाब्लिशमेंट की बात करें तो टोटल तो जो है सिक्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है टोटल तो सिक्स है उसमें से तीन जो है आरबीआई के अंडर आता है जिसमें से आरबीआई अकेडमी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज उसके साथ साथ बाकी जो तीन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है जो कि ऑटोनोमस है जिसमें से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर बैंक मैनेजमेंट दूसरा है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट रिसर्च और तीसरा है इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी तो ये छह जो है आर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं आप देख सकते हो आरबीआई के सिम्बल ठीक है पाम ट्री होते हैं ठीक है एंड देर वॉज ए टाइगर ठीक है उसके साथ साथ देखो

ताकि किस प्रकार से पब्लिक कॉन्फिडेंट को वो जीत सकें किस प्रकार से जितना भी जो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में उसका प्रोटेक्शन बना रहे उसका एक कॉन्फिडेंट जीत सकें कि हाँ बैंक जो है कुछ गलत काम नहीं करेगा कल के डेट में डिपॉजिट करके कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करेगा और बैंकिंग फैसिलिटीज़ को किस तरह से एक कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस किया जा सके मतलब मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट रेट में उनको सर्विस दिया जा सके ये सब चीजों पे काम करती है तो यू कैन से रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री उसके साथ साथ जो है मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज जो हम लोगों का एक्सटर्नल ट्रेड है बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये सब चीजों को या फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक बैलेंस मेंटेन करना यह सब जो काम है वो आर का काम है मैनेजर द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करना ट्रेड बैलेंस पेमेंट ऑफ ट्रेड ये सब को ये आरबीआई का काम है और सबसे मेन चीजें है इशू ऑफ करेंसी इशू ऑफ करेंसी तो ताकि एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ करेंसी वो ये कर सके सप्लाई कर सके चाहे नोट हो चाहे कॉइंस हो चाहे वो गुड क्वालिटी का हो ठीक है इशू एक्सचेंज डेस्ट्रॉइड करेंसी एंड कॉइन नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन जो मतलब खराब हो चुके हैं ठीक है तो उसको एक्सचेंज करें यह सब काम है तो आरबीआई का उसके साथ साथ डेवलपमेंटल रोल परफॉर्म ए वाइड रेंज ए प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ठीक है उसके साथ साथ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम तो मेंटेन द पब्लिक कॉन्फिडेंट इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम चाहे वो पेमेंट के मामले में हो चाहे सेटलमेंट के मामले में हो तो एक पब्लिक कॉन्फिडेंट ये करना जरूरी होती है ठीक है उसके साथ साथ रेगुलेट द फंक्शन जैसे कि बैंकर टू द बैंक बैंकों का बैंक के हिसाब से काम करता है मैंने पहले ही बताया था कि फादर ऑफ ऑल द बैंक्स सारे बैंक्स का बैंकर जैसे कि हम लोग को बैंक चाहिए हम लोगों को क्या चाहिए हम लोगों को अगर पैसा चाहिए तो हम लोग नॉर्मल बैंक के पास जाते हैं नॉर्मल बैंक को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाता है व्हाई इट्स वर्क एज ए बैंकर ऑफ द बैंक मेंटेन बैंकिंग अकाउंट ऑल शेड्यूल्स बैंक्स सारे बैंकों का बैंकिंग अकाउंट को शेड्यूल मतलब ये करता है एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट परफॉर्म मार्च एंड बैंकिंग फंक्शन फॉर द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट एट दियर बैंक चाहे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो उन लोगों को भी लोन देने का काम करता है ऑफिशियली देखो 27 सेवन ऑफिस है बट मेन हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और फोर हेड हेडक्वार्टर है मैंने बताया था दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में उसके बाद देखिए जो मैं बता रहा था आप लोगों को अभी कि मॉनिटरी पॉलिसीज़ टरी पॉलिसीज के बारे में मैं बात कर रहा था अभी आप लोगों से मॉनिटरी पॉलिसीज में जो जो पॉलिसीज है जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें जो पॉलिसीज है देखो आप देख सकते हो कंपोजिशन ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं जिसमें गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यू कैन से चेयरमैन और एक्स ऑफिस दास इज शशिकांत दास डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द बैंक इंचार्ज ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी वॉज माइकल देवव्रत पात्र एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक इन चार्ज ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी वॉज डॉक्टर जनक राजन उसके बाद जो है श्री चेतन घाटे प्रोफेसर इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन जो है आई एस ए आई का मेम्बर हैं प्रोफेसर पामी दुआ डायरेक्टर ऑफ डेली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स भी मेम्बर हैं रविंद्र रविंद्र जी प्रोफेसर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई आई एम अहमदाबाद ये भी मेबर हैं पॉलिसी कमेटी में अब देखो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें से कुछ कंसेप्ट मैंने बता दिया था जिसमें से ओपन मार्केट ऑपरेशन है कैश रिजर्व रेशियो है एसअल आटोटरी लिक्विडिटी रेशियो है देन उसके बाद बैंक रेट है देन सेलिंग क्रेडिट सेलिंग है देन क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट है एंड देन मोरल है तो उसमें से कुछ चीजें मैंने बता चुका हूँ और देखो ये चीज़ें जो है हमेशा चेंज हो सकती हैं ये चीज़ें जो है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट कैश रिजर्व रेपो रेट ये जो चीज़ें हैं हमेशा जो है चेंज हो सकते हैं और ये जो है हमेशा क्वार्टरली चेंज हो सकते हैं ठीक है ये चीज़ों को ध्यान ध्यान में रखना है ये चीजें जो है हमेशा चेंज हो सकते हैं क्लियर है पॉइंट तो एग्जाम से पहले ये चीज़ें सब देख के जाना है आप लोगों को ये चीजें सब देख के आपको जाना है ठीक है एग्जाम से पहले तो अब जो है रिसेंट जो चीजें हैं तो हमेशा ये चीजें जो है देख के जाना है हमेशा सेम नहीं रहेगा ठीक है अब जो है बैंक रेट है फोर पॉइंट टू परसेंट है बैंक रेट जो है अब फोर पॉइंट टू परसेंट है और रेपो रेट है फोर परसेंट है रिवर्स रेपो रेट है थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट है कैश रिजर्व रेशियो है थ्री परसेंट है और एस एल आर जो है स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो है फोर परसेंट है फोर परसेंट है ठीक है तो ये जो चीजें हैं हमेशा एग्जाम जब होगा उससे पहले एक बार देख के आपको जाना है तो मैं थोड़ा सा अभी का रिसेंट रिसेंट जो चीजें हैं वो लिख देता हूं आप लोगों को अभी के लिए जो रिसेंट है ठीक है ये रिसेंट है आप लोग लिखना है तो लिख सकते हैं रिसेंट है ठीक है अप टू यस हाँ ये रिसेंट है ठीक है तो रिसेंट में जो है कैश रिजर्व रेशियो तो रिसेंटली जो है कैश रिजर्व रेशियो जो है दैट इज थ्री परसेंट और ये हमेशा देखो हमेशा ये क्वार्टरली चेंज होगा हर एक तीन महीने में चेंज होगा ठीक है तो हर एक तीन महीने में चेंज होगा तो एग्जाम से पहले ये चीजें जो है देख के जाना है कितना है रिसेंटली तो कैश रिजर्व रेशियो थ्री परसेंट है अभी और स्टेटुटरी लिक्विडिटी रेशियो एस एल आर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है अभी एटीन परसेंट है एस एल आर जो है स्टेटुटरी लिक्विडिटी रेशियो एटीन परसेंट है रेपो रेट जो है चार परसेंट है आर आर रेपो रेट जो है फोर परसेंट है अभी रेपो रेट देन रिवर्स रेपो रेट जो है थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35 परसेंट है 3.35 परसेंट है रिवर्स रेपो रेट 3.35 परसेंट है और बैंक रेट जो है 4.2 परसेंट बैंक रेट जो है बैंक रेट 4.25 परसेंट 4.25 परसेंट तो ध्यान से फिर से मैं बता देता हूं कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व रेशियो 3 परसेंट एस एल आर स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो एटीन परसेंट प्रेजेंटली स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो देन उसके बाद जो है रेपो रेट फोर परसेंट रेपो रेट देन रिवर्स रेपो रेट थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट उसके साथ साथ बैंक रेट जो है फोर पॉइंट टू फाइव परसेंट ये प्रेजेंट है हालांकि ये एग्जाम से पहले आपको फिर से देख के जाना है ये हमेशा चेंज होते रहते हैं ये चीजें ध्यान रखना है हमेशा जो है ये चीजें चेंज होते रहेंगे क्लियर है पॉइंट सो so, हमेशा जो है अपडेट करके जाना है ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है वट डू अंडरस्टैंड बाई द ओपन मार्केट ऑपरेशन ठीक है सबसे पहले तो मैं ये चीजें बता दू कि मॉनिटरी पॉलिसी में जितने भी चीजें हैं मॉनिटरी पॉलिसीज में सब जो है एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं कि जब भी देश में मार्केट में जब भी मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाता है इन्फ्लेशन हो जाती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और जब भी मार्केट में कम पैसा होता है उसको जो है डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करने की काम बात की जाती है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा चीज है पार्ट ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसीज है जिसमें इन्वॉल्व है बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड फ्रॉम और टू पब्लिक एंड बैंक्स ठीक है

ताकि ओपन मार्केट ऑपरेशन मेक बैंक्स रेट पॉलिसीज इफेक्टिव एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट ताकि वो स्टेबिलिटी बना रह सके अब कैश रिजर्व रेशियो के बारे में मैं बता चुका था उसके साथ साथ एस एल आर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में भी मैं बता चुका था अभी डिटेल में एस एल आर के बारे में ठीक है बता चुका था बैंक रेट पॉलिसीज बैंक रेट पॉलिसीज मतलब देखो बैंक रेट जो है दिस इज द स्टैंडर्ड और दर्मानेंटेड रेपो रेट का मतलब है बैंक बैंक रेट रेट मतलब वो परमानेंट बैंक रेट होती है बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई फॉर प्रोवाइडिंग फंड और लोन टू द बैंकिंग सिस्टम तो ये इन्वॉल्व होती है कोऑपरेटिव बैंकिंग को कमर्शियल बैंकिंग को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को आई एफ सी एक्सिम बैंक एंड अदर अप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बैंक जो लोन देता है कमर्शियल बैंक को कोऑपरेटिव बैंक को इंडस्ट्रियल बैंक हो या फिर एक्सिम बैंक या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट तो ये सब चीजें जो है बैंक रेट के थ्रू ही देता है तो बैंक रेट इंक्रीज द बैंक रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय द कमर्शियल बैंक विच रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द क्रेडिट वॉल्यूम एंड टू द बैंक एंड हेंस द सप्लाई ऑफ द मनी डिक्लाइन तो इंक्रीज इन द बैंक रेट इज द सिंबल ऑफ टाइटनिंग द आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी अगर बैंक रेट को बढ़ा देते हैं तो सिंपल सी बात है कोई भी बैंक जो है लोन नहीं ले, लेगा चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो बैंक रेट को कमाने का मतलब है तो है उस केस में क्या है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रोथ करने की बात होती है तो जब भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रोथ करने की बात होती है बैंक आरबीआई डिक्रीज इस बैंक रेट और जब भी थोड़ा सा टाइटनिंग या कंट्रोल करने की बात होती है बैंक इंक्रीज इट्स बैंक रेट पॉलिसी ठीक है अब देखो क्रेडिट सेलिंग क्या है क्रेडिट सेलिंग तो यहां पर क्रेडिट सेलिंग का मतलब है आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को पहले से ही आगा कर देता है कि लोन जो है थोड़ा सा कंट्रोल में दिया जाए और जब जरूरत होगा तब जाके आप लोन देना तो पब्लिक को जो कमर्शियल बैंक सब लोन देता है उसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देना उसको कहा जाता है क्रेडिट सेलिंग दे अलाउ दे विल एलोकेट लोन्स टू लिमिटेड सेक्टर मतलब लिमिटेड सेक्टर को लोन दिया जाएगा ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द क्रेडिट सेलिंग आर एग्रीकल्चरल सेक्टर एडवांस एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो कुछ जो इम्पोर्टेंट देखो मतलब क्रेडिट सेलिंग का मतलब है आरबीआई पहले से ही इंफॉर्मेशन दे देता है कमर्शियल बैंक को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते या फिर लोन जो है लिमिटेड सेक्टर पर दीजिए ऐसे ऐसे काम पे दीजिए जो देश का डेवलपमेंट हो रहा हो ऐसे किसी को लोन मत दीजिए तो हमेशा मतलब जब भी दिक्कतें आती हैं तब ये चीज़ें की जाती हैं ताकि जो है कंट्रोल किया जा सके जो इंपोर्टेंट सेक्टर है जो डेवलपमेंट के लिए हिस्सा हो सकता है ऐसे लोगों को ही लोन दिए जाते हैं उस टाइम पे उसके साथ देखो उसका उल्टा पॉइंट है क्रेडिट क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम है क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम्स का मतलब है बैंकों के पास ऑथोराइज एडवांस मतलब एडवांस में लोन देने का भी ऑथोरिटी दे दी जाती है कि हाँ जो है बैंक जो है अपने हिसाब से लोन दे सकता है ठीक है बैंक जो है अपने हिसाब से लोन दे सकता है अगर डिजायर सेक्टर में बैंक लोन देना चाहता है तो आरबीआई जो है उनको लोन दिलवा सकता है ये है अब देखो रिवर्स रेपो 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 रेट 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 और और रिवर्स रिवर्स मैंने बता दिया था आप लोगों को रेट रे जो है अभी मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोगों को है ना उसके बाद देखो मोरल सुन मोरल इज जस्ट ए रिक्वेस्ट बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक टू टेक सर्टन एक्शन एंड मेजर इन सर्टन ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमी आरबीआई में क्वेश्चन आरबीआई में रिक्वेस्ट कमर्शियल बैंक नॉट टू गिव लोन फॉर द अनप्रोडक्टिव पर्पस, व्हिच डू नॉट ऐड द इकोनॉमिक ग्रोथ बट इंक्रीज इन्फ्लेशन कभी कभी क्या होता है कमर्शियल बैंक मतलब मॉरल सोशन का मतलब ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमर्शियल बैंक को जो कि आरबीआई उनको बोलता है कि ऐसे सेक्टर पे मत बैंक लोन दीजिए जहां पर इन्फ्लेशन होने का ज्यादा चांसेस है देश का डेवलपमेंट नहीं होगा ऐसे सेक्टर पे लोन दीजिए जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हो बट इन्फ्लेशन कम हो तो ये ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे सेक्टर पर लोन दिया जाए जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हो रेदर देन इन्फ्लेशन कहीं ऐसा ना हो कि लोन दिया जाए लोगों के पास पैसा ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए तो ये चीजों में ध्यान रखने की बात की है बैंकों ने क्लियर है तो ये था दैट इज़ मोनिटरी पॉलिसीज़ ऑफ आर ठीक है ये था मॉनीटरी पॉलिसीज ऑफ आर ठीक है अगले क्लास में मैं पढ़ाऊँगा ठीक है वेल डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड बैंक हम लोग जो है अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में ऑल्सो वेल डिस्कस अबाउट देन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट आई इंटरनेशनल मोनिटरी पंट तो ये तो मॉनिटरी पॉलिसीज़ था उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा बजट के बारे में उसके बाद में डिस्कस करूँगा सर्वे के बारे में फिनांस कमीशन ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा ठीक है आने वाले क्लासेस में तो आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल हैवेनाइज